हेलो बच्चों, आज हम जावा लेक्चर सीरीज में जो लेक्चर टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, दैट इज योर इंट्रोडक्शन टू जावा। इसमें हम प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बीच में डिफरेंस कवर करेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की फीचर्स कवर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। First, we start with the difference between your procedural and object-oriented programming. First, we start with procedural programming. First, look at its definition, then we'll try to understand the meaning of this. Procedural programming can be defined as programming model, which is derived from structured programming based upon the concept of calling procedure. Procedures, also known as routines, subroutines, or functions, simply consist of a series of a computational steps to be carried out. During a program execution, any given procedure might be called at any point, including by other procedure or its. Languages using procedural programming are Fortran, Algol, COBOL, Pascal, and C. So, इस definition से हमें क्या समझ आया कि जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है वो एक ऐसा प्रोग्रामिंग मॉडल है जो कि हमारा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है, और इसका जो मेन कंसेप्ट है दैट इज कॉलिंग प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर हम फंक्शन को भी कह देते हैं, सब रूटीन, रूटीन, फंक्शन, इनको हम प्रोसीजर्स भी कह देते हैं। वो क्या होते हैं? फंक्शन क्या होता है? अगर हमने कोई एक पर्टिकुलर टास्क करनी है, उसके लिए जो हम स्टेप्स परफॉर्म करेंगे उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसको हम प्रोसीजर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम दो नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, तो हमने उसका एक प्रोसीजर बना दिया एडिशन का, या एक फंक्शन बना दिया एडिशन का जो दो नंबर्स की इनपुट लेगा और उसका रिजल्ट आउटपुट करेगा। तो जो प्रोसीजर का फंक्शन है वो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए हमने बनाया है। ये एक पर्टिकुलर फंक्शन एक पर्टिकुलर काम करेगा और उसमें एक सेट ऑफ स्टेप्स होंगे या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे, ठीक है। अब हमने जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की थी, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी है दैट वाज प्रोसीजरल ओरिएंटेड या फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि हमने देखा था सी में हम सारा जो काम करते हैं, सारा जो हमारा प्रोग्राम काम करता है, दैट इज बेस्ड अपॉन फंक्शंस। इवन जिस प्रोग्राम को आप, जब आप प्रोग्राम बनाते हो तो जो आपका प्रोग्राम रन होता है दैट इज थ्रू मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर ही आपका एक मेन फंक्शन होता है, उस मेन फंक्शन के अंदर आप दूसरे फंक्शंस को भी कॉल कर सकते हो पर फॉर पर्टिकुलर, ठीक है। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग वो प्रोग्रामिंग मॉडल है जो कि प्रोसीजर्स को कॉल करने के कंसेप्ट पे बेस्ड होती है, या फंक्शन को कॉल करने के कंसेप्ट पे बेस्ड होती है। इट इज फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? जो इसमें प्रोग्राम्स बनते हैं दे ऑल आर बेस्ड अपॉन फंक्शंस, फंक्शंस के ऊपर बेस्ड है। इसके एग्जांपल्स हैं जो हमने पिछले सेमेस्टर में की थी। सबसे बड़ा एग्जांपल इसका सी है। सी इज अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकेंड, वी कम टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। इट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोग्रामिंग मॉडल व्हिच इज बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स कंटेन डाटा इन द फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड कोड इन द फॉर्म ऑफ मेथड्स। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर डिजाइंड यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट इंटरैक्ट विद रियल ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर वेरियस but most popular ones are class based, meaning that the objects are instances of classes which also determine their types. object oriented programming ke bare mein hum pehle bhi pad chuke hain, ye ek aisa programming model hai jo objects ke concept pe based hai. to kehne ka matlab kya hai? objects humne jaise padha tha, objects kya hai? objects mein hamara jo data hai वो इन द फॉर्म ऑफ डाटा मेंबर्स या एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में होता है, और जो हमारा कोड होता है वो इन द फॉर्म ऑफ मेथड्स होता है। तो ऑब्जेक्ट
के अंदर दोनों चीजें होती हैं, डाटा भी होता है और हमारा कोड भी होता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो हम प्रोग्राम्स बनाते हैं वो ऑब्जेक्ट्स के कंसेप्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? इट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, ठीक है ना, कि हम जो भी चीज रियल वर्ल्ड में सोच सकते हैं वो एक ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करती है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी हैं, बट उसमें से जो पॉपुलर है दे आर द वंस विच आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, ठीक है। तो इन प्रोग्रामिंग के अगर एग्जांपल्स हम देखें, सबसे बड़ा एग्जांपल इसका जावा है, देन C++, C#, पाइथन, PHP, जावास्क्रिप्ट, रूबी, पर्ल, ऑब्जेक्टिव सी, डार्ट, स्विफ्ट, स्केला, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो कहने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारा जो पूरा प्रोग्रामिंग होती है दैट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। सो नेक्स्ट वी कम टू द डिफरेंस बिटवीन दीज टू अप्रोचेस। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस तो इसकी डेफिनेशन से ही आ गया, दैट इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड फंक्शंस। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का जो मेन कंसेप्ट है वो फंक्शन है। तो हम इसमें क्या करते हैं, प्रोग्राम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जिनको हम कहते हैं फंक्शंस। मान लीजिए आप एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, उसमें कैलकुलेटर के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो बजाय कि आप एक बड़ा प्रोग्राम बनाने के कैलकुलेटर का, आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेटर के प्रोग्राम में उस प्रोग्राम को डिवाइड कर सकते हो अलग अलग फंक्शन में जो कि अलग अलग काम करेंगे। एडिशन वाला फंक्शन एडिशन का काम करेगा, मल्टीप्लिकेशन वाला फंक्शन मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन वाला डिवीजन। आप उसको सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर कॉल करो। दिस इज नोन एज प्रोसीजरल ओरिएंटेड। तो जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है उसमें प्रोग्राम को हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जिनको हम फंक्शंस कहते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हैं स्मॉल पार्ट्स में जिनको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स हम रियल वर्ल्ड एंटिटी के कंटेक्स्ट में लेते हैं। मान लीजिए आप क्लास है, क्लास आपने कार की क्लास ले ली, कार के अब फीचर्स हो सकते हैं वो उसके डाटा मेंबर्स हो जाएंगे, कार का कलर, कार का मॉडल, कार का मेक, ठीक है, फोर सीटर है, टू सीटर है, फोर सीटर है सॉरी, फाइव सीटर है टाइप, ये सारा डाटा मेंबर्स हो गया। और इसके मेथड्स भी हो सकते हैं कार के, कार क्या करती है, इट कैन एक्सेलरेट, इट कैन मूव फास्ट, ठीक है, इट कैन थ्रोटल, कुछ भी अलग अलग तरह के फंक्शंस। मतलब कार जो एंटिटी हमने ली है, कार जो हमने क्लास बनाई है, अब उस कार के हम जो प्रोग्राम है, अगर हम उस कार का हमने क्लास बना ली, उस क्लास के हम जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी मारुति की कार है, आपकी ह्यूंडई की कार है, उस कार का अलग अलग मॉडल है, अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग आपके मेथड्स हैं। तो हर एक कार के लिए आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं स्मॉल पार्ट्स में जिनको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, जबकि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में उनको हम फंक्शंस कहते हैं। सेकंड इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में क्या है, हम बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है, that is known as top down approach. basically ये दोनों divide and conquer approach के part होते हैं। उसमें top down approach हमारी क्या होती है कि हमारी एक बहुत बड़ी problem है, उस program है तो हमने उसको smaller program में divide कर दिया, till we conquer the program, till we succeed in calculation performing the exact solution of the problem. object oriented programming follows bottom up approach. जो object oriented programming है हमारी वो इससे opposite, second जो approach है हमारी bottom up, जो कि real world के close होती है उसको follow करती है। इसमें हम क्या करते हैं, program में class के अलग अलग objects बना देते हैं,
और उन ऑब्जेक्ट्स के बेस पे हम प्रोग्रामिंग करते हैं इसमें. इसलिए ये जो अप्रोच फॉलो करती है दैट इज बॉटम अप अप्रोच. नेक्स्ट डिफरेंस इज देयर इज नो एक्सेस स्पेसिफायर इन प्रोसीजर प्रोग्राम. अब हमने एक्सेस स्पेसिफायर्स पढ़े थे. एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या बताते हैं? इट स्पेसिफाइज द रेंज और स्कोप ऑफ द योर डाटा मेंबर्स और क्लास मेंबर्स और क्लासेस और इंटरफेसेस, उसका स्कोप बताते हैं. तो प्रोसीजर ओरिएंटेड में कोई कंसेप्ट नहीं होता एक्सेस स्पेसिफायर्स का, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, जस्ट लाइक प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट. नेक्स्ट डिफरेंस इज एडिंग न्यू डाटा एंड फंक्शन इज नॉट इज. मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम बना लिया, उसमें आप नया फंक्शन ऐड करना चाहते हैं, तो आपको पूरा प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा. बट अगर हमें इसमें नया डाटा और फंक्शन ऐड करना है तो हम एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट कर देंगे. बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डाटा एंड फंक्शन. बट इसमें आपको प्रोसीजरल ओरिएंटेड में आपको पूरा प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा, बट इसमें आप उसका एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते. Procedural programming does not have any proper way of hiding data, so it is less secure. अब procedural programming में कोई concept नहीं होता data hiding का, abstraction का, encapsulation का, तो हम कह सकते हैं कि जो procedural programming है उसमें हम data को hide नहीं कर सकते proper way से, तो ये less secure है. जबकि हमारी जो object-oriented programming है, it provides data hiding in the form of encapsulation and data abstraction, so it is more secure. क्योंकि ये हम concepts पढ़ चुके हैं पहले, तो हम इसमें भी अभी पढ़ेंगे इसको. Next difference is procedural programming overloading is not possible. That is polymorphism या method overloading. Procedural programming में method overloading का कोई, function overloading का कोई concept नहीं होता. But object oriented programming में हम function overloading कर सकते. Next is procedural programming function is more important than data. Procedural programming की definition ही यही कहती है, it is based on procedures or function. तो इसमें जो function है it is more important than data. Whereas in object oriented programming data is more important than function. Object oriented programming हमारी सारी की सारी data plus method के ऊपर बेस्ड है, तो इसमें data ज्यादा important होता है हमारा. Procedural programming is based on unreal world. Procedural programming हमारी logical concepts पे based है, functions के ऊपर based. जबकि हमारी object oriented programming है, वो real world पे या real world entities that is objects के ऊपर based. इसके examples हैं C, Fortran, Pascal. इसके example हैं C++, Java, Python, C#. ठीक है? तो this is the difference between your procedural oriented and your object oriented programming. तो इसमें सीधा question यही बनता है आपका, what do you mean by procedural programming या what do you mean by object oriented programming, what is the difference between them? तो आप थोड़ा सा introduction देके इस तरह से उनके ये differences, you can give all the differences between them. I think ये clear हो गया होगा सबको. Next we come to the next topic, that is object oriented programming features या OOPs concept. अब जो object oriented programming है, ये हमारा एक ऐसा programming concept है जो object oriented principles के ऊपर based है, that is abstraction, encapsulation, inheritance and polymorphism. ये चार main features हैं हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमने अभी जैसे पढ़ा कि ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, पूरी की पूरी क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है. इट अलाउज यूजर टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स दैट दे वांट एंड देन क्रिएट द मेथड्स टू हैंडल दोस ऑब्जेक्ट्स. इसमें यूजर्स अपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को यूज करने. तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ OOPs इज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो मेन कंसेप्ट इसका यही है कि हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करें, उसको रीयूज करें थ्रू आउट द प्रोग्राम और उनको मैनिपुलेट करके रिजल्ट्स निकालें. दिस इज व्हाट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम. इसको हम OOPs भी कह देते हैं.
और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है दैट इज जावा. नाउ वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कोर ऊप्स कंसेप्ट. कोर ऊप्स कंसेप्ट में आपके कंसेप्ट्स आ जाते हैं. सबसे पहले ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आ गया, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी. When we are creating a object oriented program, तो हम world जो है, हम जो हमारा perspective है, जो हमारी सोच है, वो हम ऐसा सोचते हैं कि जो world है it is a collection of objects. तो उसमें हम जो भी program, जो भी हम object लेते हैं वो real world entity की form में. मान लीजिए हम flower का एक program बनाना चाहते हैं, उसका एक object create करना चाहते हैं. फ्लावर इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब एक फ्लावर का अगर हम एग्जाम्पल लें, ये भी एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह है, तो उसकी फीचर्स क्या हो सकती है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? उसकी लेंथ होगी, उसकी स्टेम की लेंथ होगी, उसका कलर हो गया उसके पेटल्स का, उसके पत्तियों का, उसकी खुशबू होगी, उसकी फ्रेग्रेंस होगी, उसका डिजाइन हो गया, ये सारे के सारे क्या हो गए? इसके प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स हो गए फ्लावर के ऑब्जेक्ट. ऐसे ही अगर हम इसके एट्रीब्यूट्स लें हमारे प्रोग्राम में, तो उसका जैसे कलर हो गया, पेटल्स का कलर क्या हो सकता है? ब्लू हो सकता है. ठीक है, वो एक ऑब्जेक्ट की आपकी स्टेट बताती है उस ऑब्जेक्ट की. ठीक है, अब उसके मेथड्स क्या हो सकते हैं फ्लावर के? फ्लावर पॉलिनेट करते हैं, ताकि नए फ्लावर्स बनाए. तो ये एक मेथड हो गया फ्लावर के ऑब्जेक्ट. पॉलिनेट का मतलब नए बीज निकालना, नए पौधे उगाना, नए फ्लावर्स उगाना. अब ऑब्जेक्ट क्या था, हमने पढ़ा था, ऑब्जेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डाटा एंड फंक्शन और मेथड विच ऑपरेट्स ऑन डाटा. अब ऑब्जेक्ट में हम क्लास में हम डाटा भी लेते हैं, मेथड्स भी लेते हैं जो डाटा के ऊपर काम करते हैं. ऑब्जेक्ट को हम इंस्टांस ऑफ क्लास भी कह देते हैं. Therefore, there can be more than one instance of an object. अब फ्लावर का ही एग्जाम्पल ले लीजिए आप. फ्लावर आपकी एक क्लास होगी, उस क्लास के आप जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो. उसके ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? डिफरेंट फ्लावर्स, रोज, लिली, सनफ्लावर, जो भी आप एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, वो सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं? They are the objects of the class. तो जावा में अगर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हम पहले क्या लिखते हैं? नेम ऑफ द क्लास, देन नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट. फ्लावर हमारी क्लास होगी, रोज हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इज इक्वल टू न्यू. न्यू इज द कीवर्ड जो इंस्टेंशिएट करता है क्लास के ऑब्जेक्ट्स को, उसको मेमोरी देता है. और फ्लावर, फ्लावर इज द कंस्ट्रक्टर, नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर. अब इसमें हम इनिशियलाइजेशन भी कर रहे हैं, डिक्लेरेशन भी कर रहे हैं, इंस्टेंशिएशन भी कर रहे हैं और इनिशियलाइजेशन. डिक्लेरेशन का मतलब है हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं. इंस्टेंशिएशन का मतलब है हम उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी दे रहे हैं. और इनिशियलाइजेशन का मतलब है हम उसको कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी और इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ योर कोर्स. So, अगर हम ऐसे रोज क्रिएट करेंगे तो दिस विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड रोज इन योर. नेक्स्ट वी कम टू क्लास. अगर हमें ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्लास बनानी पड़ेगी. क्लास मैंने जैसे बताया, जो क्लास है इट इज अ स्ट्रक्चर और ब्लूप्रिंट जिस ऑफ अ ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट का एक ब्लूप्रिंट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिससे आप जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो. तो क्लास के अंदर हम डिफाइन क्या करते हैं? एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स का मतलब डाटा, वेरिएबल्स एज वेल एज मेथड्स, मेथड्स मतलब फंक्शंस. तो क्लास में आप ये दो चीजें डिफाइन करते हो. और क्लास कैन बी यूज्ड टू क्रिएट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स. क्लास को हम यूज करते हैं सेम तरह के ऑब्जेक्ट्स. इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पहले भी लिया था एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारी कार वाली एक क्लास है, तो उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? कार्स के मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, पोर्श, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेरियस कार्स और दीज आर द वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ कार क्लास.
द प्रॉपर्टी इज डिफाइंड बाय द क्लास, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, डाटा क्या हो सकता है, इट्स द स्पीड, प्राइस, मॉडल, मेथड क्या हो सकते हैं जो वो काम करेगी कार, रेस, एक्सेलरेट, थ्रोटल, ब्रेक, ये सारे काम वो कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने फ्लावर वाली क्लास का एग्जांपल हम ले लेते हैं। फ्लावर वाली क्लास में हमने तीन दो वेरिएबल्स ले लिए, नेम ऑफ द फ्लावर उसको स्ट्रिंग टाइप का ले लिया, कलर ऑफ द फ्लावर उसको भी स्ट्रिंग टाइप का ले लिया, और एक हमने उसमें मेथड ले लिया वॉयड पॉलिनेशन, क्योंकि फ्लावर्स क्या करते हैं, पॉलिनेट करते हैं। पॉलिनेट मतलब उसका एक मेथड है, वो एक एक्शन करते हैं कि वो नए फ्लावर्स को क्रिएट करने के लिए पॉलिनेशन का प्रोसेस। तो जब हम एक फ्लावर वाली क्लास क्रिएट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसमें दो डाटा मेंबर्स या एट्रीब्यूट्स ले लिए और एक मेथड ले लिया। तो क्लास इज कॉम्बिनेशन ऑफ योर डाटा प्लस, ठीक है, क्लासेस का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो हमने जैसा कि डेफिनेशन में पढ़ा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारी जो उसकी मेन फीचर्स हैं वो चार फीचर्स, दैट इज इनहेरिटेंस, अब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। दीज फोर फीचर्स ऑफ द मेन ऑब्स कंसेप्ट, ये सबसे ज्यादा हम पढ़ते हैं जावा। जावा का जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट है या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वो सारे के सारे इन चार कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो हम इनको एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, वैसे हम ये कर भी चुके हैं। फर्स्ट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिट का मतलब होता है प्रॉपर्टीज ऑब्टेन करना, कुछ चीज ऑब्टेन करना, टू गेन, ऑब्टेन और इनहेरिट समथिंग। अब इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट है वो पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के कंसेप्ट पे बेस्ड है। क्लासेस आपकी जो है दे कैन शेयर, ऑब्टेन और इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स दैट बिलोंग टू एग्जिस्टिंग क्लास। अब मान लीजिए आपकी एक ऐसी क्लास है जिसके डाटा मेंबर्स और मेथड्स आपकी नई क्लास से मिलते जुलते हैं, जो आप नई क्लास बनाना चाह रहे हो उसमें भी आप वही डाटा मेंबर्स और मेथड्स यूज करना चाहते हो जो एक एग्जिस्टिंग क्लास में, तो उस कोड को और उस डाटा को रीयूज करने के लिए हम इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज करते हैं। जिस क्लास से हम प्रॉपर्टीज या डाटा इनहेरिट करना चाहते हैं उस क्लास को हम कह देते हैं पेरेंट क्लास या सुपर क्लास, और जिस जो क्लास डाटा को ऑब्टेन करती है फ्रॉम द पेरेंट क्लास उसको हम कह देते हैं डिराइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास। इनहेरिटेंस का कंसेप्ट इसी के ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो अ क्लास दैट शेयर इट्स प्रॉपर्टीज एंड मेथड इज कॉल्ड द बेस क्लास ऑफ द पेरेंट क्लास। अ बेस क्लास हैव एडिशनल प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। अ चाइल्ड क्लास कैन हैव एडिशनल प्रॉपर्टीज एंड मेथड नॉट प्रेजेंट इन द बेस क्लास दैट डिस्टिंग्विशेस एंड प्रोवाइड्स एडिशनल। तो चाइल्ड क्लास में हम पेरेंट क्लास की फीचर्स तो ले ही सकते हैं, उसके अलावा अदर फीचर्स जो हैं वो भी हम उसमें डाल सकते हैं। तो इनहेरिटेंस का मतलब है टू एक्सटेंड और टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ द पेरेंट क्लास। इसका अगर हम एक एग्जांपल देखना चाहें, रियल वर्ल्ड एग्जांपल, हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे विंडोज 98 आई सबसे पहले, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज और मेथड्स थे जो कि विंडोज एक्सपी जो उसके बाद आई थी उसमें यूज हो रहे थे। तो कहने का मतलब क्या है, विंडोज एक्सपी ने विंडोज 90s के प्रॉपर्टी 8 प्रॉपर्टीज और मेथड्स को इनहेरिट कर लिया, उसके अलावा उसने अपने एडिशनल मेथड्स भी डाल दिए, ठीक है। इसी तरह से विंडोज 7 आई, विंडोज 7 ने क्या किया, विंडोज एक्सपी की तो सारी फीचर्स ले ली, सारे प्रॉपर्टीज और मेथड्स ले लिए, बट उसने अपने एडिशनल भी डाल दिए, ठीक है। तो यही सेम कंसेप्ट हमारा इनहेरिटेंस का है। तो इसमें आप अगर देखना चाहें विंडोज 98 आपकी क्या थी, इट इज द पेरेंट क्लास। विंडोज एक्सपी क्या थी आपकी, चाइल्ड क्लास। तो विंडोज एक्सपी चाइल्ड क्लास ने विंडोज 98 की प्रॉपर्टीज और मेथड्स को इनहेरिट कर लिया और अपने एडिशनल भी डाल दिए। तो यही सेम कंसेप्ट आपका पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड, ठीक है।
जावा में हम इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट फॉलो करते हैं दैट इज यूजिंग द एक्सटेंड्स कीवर्ड। हम पहले भी कर चुके हैं इनहेरिटेंस में, हमने वही एक क्लास ले ली फ्लावर वाली, उसमें हमारे दो डाटा मेंबर्स हैं नेम और कलर, एक हमारा मेथड है पॉलिनेशन। तो हमने एक रोज क्लास ले ली जो किसको एक्सटेंड कर रही है, विच इज एक्सटेंडिंग द फीचर्स ऑफ फ्लावर। तो रोज वाली जो क्लास है वो फ्लावर वाले इन मेथड्स को और इस डाटा मेंबर्स को यूज कर सकती है, इनहेरिट कर सकती है, ठीक है। सो द इनहेरिटेंट क्लास रोज कैन नाउ शेयर द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड ऑफ द क्लास, इसके मेथड्स और डाटा को वो यूज कर सकती है। इसको इसको लिखने की, इसमें रोज वाली क्लास में हमें इनको लिखने की, इस कोड को लिखने की पॉलिनेशन के, और इन डाटा मेंबर्स को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है बिकॉज रोज इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ योर पेरेंट क्लास, ठीक है। तो दिस इज नोन एज इनहेरिटेंस। आई थिंक ये पहले भी पढ़ लिया हमने, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी कम टू पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, ये दो वर्ड से बना है बेसिकली, पहले भी हमने डिस्कस किया था। पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। तो इसका मतलब है कि एक इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मेथड, मेथड की एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें हम उस मेथड को या फंक्शन को अलग अलग तरीके से यूज कर सके, अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग टाइम्स पे, डिफरेंट फॉर्म्स में उसको यूज कर सके, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म हमने पढ़ा था दो तरह की होती है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम को हम स्टैटिक भी कर देते हैं, इसको मेथड ओवरलोडिंग भी कह देते हैं, इसका एग्जांपल है मेथड ओवरलोडिंग। और दूसरा है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कह देते हैं, और इसको इसका जो एग्जांपल है दैट इज मेथड ओवरराइडिंग। सो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कंपाइल टाइम या स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, ये कब होती है, जब हम मेथड को ओवरलोड करते हैं। That is when the argument या your parameters used in the method is changed. ठीक है, this is done to obtain different results. इसका example अगर हम देखना चाहें, मान लीजिए हम अलग अलग नाम use करते हैं for suggesting different names for being the president of country. Which could get you different result each time, but they would still be called the president. इसका मतलब क्या हुआ कि हम different different नाम बता सकते हैं president के, ठीक है, but finally जो हमारा है उसको हम president ही कहेंगे, हम president को prime minister तो नहीं कह सकते। president को आप चाहे अलग अलग नामों से बोल लो, but still he or she is the president of the। तो कहने का मतलब है अगर ही हम एक फंक्शन का सेम नाम रख के उसके अलग अलग पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स को चेंज करें, उसको हम कह देते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और मेथड ओवरलोडिंग। डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म कब अकर करती है, व्हेन द मेथड्स इटसेल्फ आर चेंज्ड, व्हेन यू डोंट नीड अ प्रेसिडेंट बट अ प्राइम मिनिस्टर, you would have to override the existing method. इसका मतलब क्या है, जो हमारा ये dynamic polymorphism है, ये concept हमारा parent class और child class के concept में use होता है। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा child class में भी वही method है और parent class में भी वही method है, तो जो child class वाला method है वो override कर जाता है parent class वाले method को, उसको हम कहते हैं override। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मेथड है मल्टीप्लाई नंबर, जो कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करता है। बट इफ यू हैड अदर नंबर्स टू मल्टीप्लाई, अब ये हमारा जो है दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा है इंटीजर टाइप के, बट अगर हम दो नंबर्स जो मल्टीप्लाई करना चाहते हैं वो डबल टाइप के हैं, तो हम उसकी आर्गुमेंट्स चेंज कर सकते हैं। हमने क्या कर दिया, उसको डबल एक्स और डबल वाई कर दिया। तो हमने क्या करा, मेथड का सिग्नेचर चेंज कर दिया, उसकी डेफिनेशन को चेंज कर दिया। मेथड की पहले डेफिनेशन में हमने दोनों इंटीजर्स लिए हुए थे आर्गुमेंट्स, यहाँ पे हमने दोनों डबल ले लिए। तो नाम हमने सेम रखा मेथड का, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई नंबर,
बट हमने उसके आर्गुमेंट्स को चेंज कर दिया. दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ योर मेथड ओवरलोडिंग. ठीक है, क्लियर हो गया. नेक्स्ट वी कम टू डाटा एब्स्ट्रैक्शन. डाटा एब्स्ट्रैक्शन refers to the process of only displaying relevant properties and methods to handle an object while hiding the rest. It lets you reduce the complexity of a program and is a large advantage offered by classes in OOPs languages. Data abstraction ka matlab hai ek aisa process jo sirf रेलेवेंट जितनी प्रॉपर्टीज हमें हम दिखाना चाहते हैं सिर्फ वही डिस्प्ले करें और जो इंटरनल डिटेल्स हैं हमारे प्रोग्राम की उसको छुपा लें. दैट इज नोन एज डाटा एब्स्ट्रैक्शन. इस तरह से हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है प्रोग्राम की वो कम हो जाती है. इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं एग्जाम्पल. हम अपने फोन के ऊपर ऑपरेट करते हैं जब तक हमारे पास कीपैड होती है और स्क्रीन होती है. ठीक है, अब हमें कुछ भी टाइप करना है फोन पे, कुछ भी लिखना है, तो हम कीपैड के ऊपर क्लिक करते हैं और वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होता रहता है. अब हमें इसकी इंटरनल सर्किटरी, इसके जो इंटरनल सर्किट्स है हमें उसका कुछ नहीं पता. कहने का मतलब है कैसे हम जब हम कोई कीपैड पे कोई लेटर को प्रेस करते हैं तो कैसे वो इंटरनली कौन सा सर्किट वर्क करता है, कैसे वो टाइप हो रहा है, हमें उसका कुछ नहीं पता. दिस इज एग्जांपल ऑफ योर एब्स्ट्रक्शन. अब आपको आपको सिर्फ पता है कि अगर मैंने कुछ फोन पे टाइप करना है तो आप कीपैड पे जाओगे और उसको लेटर्स को प्रेस करोगे, बट यू आर नॉट एक्चुअली नोइंग द इंटरनल डिटेल्स, द कॉम्प्लेक्सिटी जो उसके अंदर छुपी हुई है कि कितने जब आप प्रेस करते हो तब प्रेस करने के बाद कौन सा सेंसर किस तरह से आपका कौन सा लेटर लिखा जाता है, कैसे वो सिग्नल जाता है, वो सारी चीजें आपसे छिपी. इसको हम बोल सकते हैं डाटा एब्स्ट्रैक्शन. अब जावा में वी कैन डिक्लेयर अ क्लास एन एब्स्ट्रैक्ट इन जावा टू यूज डाटा एब्स्ट्रैक्शन. जावा में हम डाटा एब्स्ट्रैक्शन दो तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं. ये हम पढ़ भी चुके हैं, डाटा एब्स्ट्रैक्शन पूरा लेक्चर है, आपने सुना भी होगा. डाटा एब्स्ट्रैक्शन या एब्स्ट्रैक्शन का जो कंसेप्ट है वो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस की हेल्प से इंप्लीमेंट कर सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है जबकि इंटरफेसेस फुल एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं. अब एक बार हमने जिस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ क्लास विच कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, जिसके हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं कर सकते. द क्लास डज नॉट बिकम यूजलेस इफ इट हैज एनी मेथड्स एंड फील्ड्स. तो हाउएवर इट इज इम्पॉसिबल टू डिक्लेयर एन इंस्टेंस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, दे कैन बी सब क्लास. अब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं कर सकते बट हम उसको यूज कर सकते हैं, उसकी चाइल्ड क्लास, उसकी प्रॉपर्टीज को और उसके मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जिसमें कम से कम एक मेथड हमारा एब्स्ट्रैक्ट हो और जो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से स्टार्ट होती है. तो ये इसकी डेफिनेशन है. वी कैन क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास बाय यूजिंग द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड और एब्स्ट्रैक्ट क्लास मे और मे नॉट कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स. अ क्लास कंटेनिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड मस्ट बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट. अ नॉर्मल क्लास कैन नॉट कंटेन एब्स्ट्रैक्ट. तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सी होती है? अब मान लीजिए हम एक इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना चाहते हैं, एग्जांपल एबीएस. तो इसमें हमने फील्ड्स कुछ डाटा मेंबर्स डिक्लेयर कर दिए बट इसमें जो हम एक मेथड हमारा एब्स्ट्रैक्ट टाइप का होना जरूरी है. एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन से होते हैं? जिनकी कोई बॉडी नहीं होती, वो सिर्फ डिक्लेयर होते हैं, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती. उसकी डेफिनेशन हम कहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे? हम उस क्लास में इंप्लीमेंट करेंगे जो इसको एक्सटेंड करेगी. दिस इज नोन एज डाटा एब्स्ट्रैक्शन. अब आप देख सकते हैं जो ये डिले मेथड है ये हमारा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड. अब इसके अंदर हमने कोई भी इस मेथड को डिफाइन नहीं किया, हमने सिर्फ इसको डिक्लेयर किया. ये ब्लैंक मेथड है हमारा.
इसके बाद कोई कर्ली ब्रेसेस हमने यूज नहीं की, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की हेल्प से हम डाटा एब्स्ट्रक्शन के मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या इंटरफेस की हेल्प से। इंटरफेस भी हमारा क्लास की तरह ही होता है, बट इंटरफेस को हम इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, बट उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग क्लासेस। और इंटरफेस हमारा फुल एब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब उसके अंदर जितने भी मेथड्स होंगे दे ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर एब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट वी कम टू एनकैप्सुलेशन, दिस इज द फोर्थ फीचर। एनकैप्सुलेशन का मतलब है टू कैप्सुलेट मेथड्स एंड डाटा। इट रेफर्स टू कीपिंग ऑब्जेक्ट्स विद देयर मेथड्स इन वन। ये भी हमारा डाटा हाइडिंग में हेल्प करता है। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है, ये इंटीग्रिटी ऑफ डाटा को प्रोटेक्ट करता है। इंटीग्रिटी ऑफ डाटा मतलब डाटा को कोई हमारे ना छेड़े, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो डाटा के, उससे बचाता है। इट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम बीइंग नीडलेसली ऑल्टर्ड बाय रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू द डाटा। अब ये हम कैसे कर सकते हैं, अब हमने एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़े थे। एक्सेस मॉडिफायर्स में हमने एक प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर पढ़ा था। प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, जो कि जिसकी स्कोप सिर्फ उस ब्लॉक में होती है जिसमें वो डिफाइन होता है डाटा। अगर हम प्राइवेट कर देते हैं क्लास के अंदर अपने डाटा मेंबर्स को, तो बेसिकली हम उसको हाइड कर रहे हैं आउटसाइड क्लासेस से और आउटसाइड पैकेजेस से। तो जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स करके हम उसको बचा सकते हैं, उसको हाइड कर सकते हैं दूसरी क्लासेस और हमारे पैकेजेस। तो एनकैप्सुलेशन को हम कंफ्यूज कर देते हैं डाटा एब्स्ट्रक्शन से। डाटा एब्स्ट्रक्शन और डाटा हाइडिंग जो है वो अलग कंसेप्ट है हमारा, और जो हमारा डाटा एनकैप्सुलेशन है वो अलग कंसेप्ट है। जो हमारा एब्स्ट्रक्शन है, एब्स्ट्रक्शन में हम एब्स्ट्रक्ट मेथड्स का कंसेप्ट होता है हमारा, बट एनकैप्सुलेशन में हम डाटा को एक कैप्सूल की फॉर्म में, या आप कह सकते हो डाटा और मेथड को हम हाइड कर देते हैं फ्रॉम द आउटसाइड क्लासेस। प्रोसीजरल प्रोग्राम्स फॉर एग्जांपल आर नॉट एनकैप्सुलेटेड। जो हमने प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी उसमें मेथड्स होते थे, वो एनकैप्सुलेटेड नहीं होते थे, क्योंकि हर अलग अलग प्रोसीजर्स अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग डाटा यूज कर रहे हैं। बट ऊप्स में हमारा जो डाटा है वो हमेशा मेथड के साथ कैप्सुलेट होके रहता है। आप देख सकते हो जो ऑब्जेक्ट है हमारा या क्लास है, क्लास में हमेशा हमारी दो चीजें होती हैं, डाटा मेंबर एंड द मेथड जो उस डाटा पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम बाय यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर एनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी एक क्लास है एम्प्लॉय डिटेल्स। अब आप देख सकते हैं इस क्लास के अंदर जितने भी डाटा मेंबर्स थे उसको हमने क्या कर दिया, प्राइवेट। प्राइवेट स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग एम्प्लॉय डाटा, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट सॉरी, प्राइवेट इंटीजर सैलरी, प्राइवेट इंटीजर ऑर्ड्स पढ़े। अब ये सारे के सारे डाटा मेंबर्स सिर्फ इसी क्लास में यूज हो सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट का जो स्कोप होता है विद इन द क्लास होता है। इसको ना हम किसी और क्लास में ना किसी और पैकेज में यूज कर सकते हैं, ना और किसी सब क्लास में यूज कर सकते हैं। इट कैन बी ओनली यूज विद इन दिस क्लास। दिस इज नोन एज एनकैप्सुलेशन। हमने अपने डाटा को एक तरह से हाइड कर दिया, इसको हम उससे कंफ्यूज नहीं कर सकते। वी कांट कंफ्यूज इट विद योर डाटा एब्स्ट्रक्शन। डाटा एब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है, इंटरनल डिटेल्स को हाइड करना। मेथड की इंटरनल डिटेल्स को हमने हाइड कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी, बट उसकी इंटरनल डिटेल्स हम कहाँ इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उस क्लास में जो क्लास उसको इंप्लीमेंट कर, ठीक है। तो ये जो चार है फीचर्स हमारी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो हम देख सकते हैं इस एग्जांपल में कि जो हमारा जो इसमें जो जितने भी डाटा मेंबर्स हैं उसको हमने प्राइवेट कर दिया। इसका मतलब है ये वाले डाटा मेंबर सिर्फ हमारे इसी क्लास के अंदर यूज हो सकते हैं, इसी मेथड्स के अंदर यूज हो सकते हैं। दिस हेल्प्स प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ डाटा।
सकते हैं। तो आई थिंक ये चारों कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, दैट इज दीज आर द वेरियस फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दैट इज एनकैप्सुलेशन, दैट एब्स्ट्रैक्शन, देन योर पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। तो आपको यही क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय हूप्स, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स या इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ। तो आप ये चारों फीचर्स उसमें विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो यू कैन आस्क। थैंक यू स्टूडेंट्स।